Okay, so today's topic is bus contention. Okay, तो bus contention का meaning क्या होता है? Bus contention means अगर जो हम data जहाँ भेजना चाह रहे हों, data भेजना हमें किसी like जैसे यहाँ पे दो चिप बनी हुई है, अगर data हम भेज रहे हैं चिप टू पे, लेकिन because of some conditions वो चिप वन जो कि डेटा नहीं लेना चाहती लेकिन फिर भी डेटा का फ्लो हो रहा है इसके ना चाहने के बावजूद, ठीक है ना, मतलब ये डेटा रिसीव ना हमें करवाना है ना इसे करना है लेकिन फिर भी डेटा का फ्लो किसी सर्किट जो सिंक्रोनाइजेशन है उसमें कमी की वजह से डेटा का फ्लो इसमें हो रहा हो तो इसे कहते हैं बस कंटेंशन। भाई डाटा तो इसमें जाना था, ठीक, डाटा इसमें जाना था लेकिन इसमें लीक होने लगा डाटा, या तो डाटा ख़त्म हो जाएगा, हमारा डाटा का नुकसान हो सकता है, या फिर चिप जो कि तैयार नहीं है इस डाटा के लिए, इस वोल्टेज के लिए, तो चिप डैमेज भी हो सकती है। अच्छा ये होता क्यों है, देखो मैं लेट सपोज ये दो चिप्स हैं, दो चिप्स का मतलब दो मेमोरी हैं, ठीक, मेमोरी वन एंड मेमोरी टू। हमने इसके पहले देखा था ना मेमोरी वन कई 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 सारे सेक्शन में जब मेमोरी मैपिंग पड़ी थी, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मेमोरी मैपिंग आना इसके लिए, लेकिन फिर भी जैसे चिप वन है चिप टू है ये दो मेमोरी हैं। अब इसमें से हमें डाटा क्या करना है, रीड करना है। लेट सपोज पहले हमें चिप वन से, है ना, चिप वन से डाटा रीड करना है, तो जब हमें डाटा रीड नहीं करना था चिप वन से तब क्या होगा, इसकी सारी जो आउटपुट बसेज होंगी वो कहाँ पर होंगी, हाई इम्पीडेंस स्टेट में होंगी, राइट। अभी जब हाई इम्पीडेंस स्टेट में थी लेकिन हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, पहले चिप को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो ये क्या करेगी, इनेबल करेगी, मतलब जब ये इनेबल होगी तब क्या होगा, जो हमारा आउटपुट डेटा बस आउटपुट बसेस हैं वो क्या करेंगी, हमारी हाई इम्पीडेंस से नॉर्मल स्टेट में आएंगी। तो लेट सपोज पहले हमने क्या किया, चिप वन को सेलेक्ट किया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जीरो देना पड़ेगा क्योंकि क्या है, ये लो एक्टिव सिग्नल है, ठीक है, तो हमने इसको चिप सेलेक्ट को जीरो किया, जैसे ही जीरो हुआ तो ये चिप वन एक्टिव हो गया, जब ये एक्टिव हो गया तो मतलब जो हमारी आउटपुट लाइंस हैं वो क्या होंगी, हाई इम्पीडेंस स्टेट से नॉर्मल लेवल पे आएंगी, जब ये नॉर्मल लेवल पे आएंगी तो क्या है, ये डाटा यहाँ से हमारा ये कौन सा माइक्रोप्रोसेसर से, है ना, सिस्टम डाटा बस से रीड करना चाह रहा है इससे कोई डाटा, तो इसने क्या कर लिया, यहाँ से डेटा रीड कर लिया। अच्छा रीड करने के बाद क्या होगा, जैसे ही रीड कर लेगा फिर क्या होगा, अगेन चिप सेलेक्ट इज बिकम हाई, मतलब जो हमारी आउटपुट लाइन है वो कहाँ जाएंगी, नॉर्मल स्टेट से, फिर कहाँ जा रही होंगी, नॉर्मल स्टेट से फिर जाएंगी हाई इम्पीडेंस स्टेट में, क्योंकि क्या करना है, फिर से भाई चिप तो डिसलेक्ट हो गई तो फिर ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में आ जाएगा, ठीक, तो अब ये फिर हाई इम्पीडेंस स्टेट में आ गया। अब इससे डाटा रीड करने के बाद सिस्टम अब इससे डाटा रीड करना चाहता है, तो इसने क्या किया, फिर इसका मेमोरी लोकेशन दिया होगा तो फिर अगेन वही चिप ये सेलेक्ट होगी, फिर ये हाई इम्पीडेंस से नॉर्मल स्टेट में आएगा और डाटा रीड हो जाएगा। लेकिन इसके बीच की एक और कहानी है, वो क्या है, जब हमने इसको सेलेक्ट किया ये क्या किया, किसी कुछ टाइम लेगा जो हमारी बसेज हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, है ना, सबका कुछ ना कुछ डिले होता ही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तो कुछ ना कुछ डिले होगा उनका, तो जब इसमें चिप सेलेक्ट हुआ जीरो लो हुआ तो हमारी क्या हाई जो आउटपुट डाटा बस है वो क्या होगी, हाई इम्पीडेंस से नॉर्मल लेवल पे आएंगी, तो इसमें कुछ टाइम लगा होगा, लेट टी वन टाइम किस में लग रहा है, आउटपुट लाइन को हाई इम्पीडेंस से नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए। अब डाटा रीड हो गया तो अब क्या हुआ, जब यहाँ से डाटा रीड हो गया, जैसे एक डाटा रीड हो गया तो हमें माइक्रो प्रोसेसर दूसरा इंस्ट्रक्शन भेज देगा, जैसे डाटा रीड हुआ उसने दूसरा एड्रेस दे दिया कि इस एड्रेस से जाके, और वो एड्रेस किसका था, चिप टू का, तो जैसे ही इसमें डाटा रीड हुआ अब यह क्या होगी, क्या हो रही होगी, नॉर्मल स्टेट से फिर हाई इम्पीडेंस में जाएगी, क्योंकि अब इससे डाटा तो रीड नहीं करना है, मतलब इसे क्या डीएक्टिवेट करना है। तो फिर इसको क्या किया हमने, इसको फिर हमें नॉर्मल स्टेट से हाई इम्पीडेंस स्टेट में जाना है, मतलब आउटपुट लाइंस को बंद करना है कि अब यहाँ मत आ जाना,
अब कहाँ जाना है, अब तुम्हें चिप टू में जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है। लेकिन अब सिस्टम जो हमारी ये जो डेटा बस है वो तो तैयार है, क्यों? क्योंकि उसने दूसरा एड्रेस भेज दिया है, तो सिस्टम डाटा बस तो रेडी है, क्योंकि उसे तो रीड करना ही करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम बस इतनी है कि इस वाले से रीड करना है कि इस वाले से रीड करना है। अब ये चिप्स तो हमारा डिसलेक्ट हो गया, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी ये हाई इम्पीडेंस से नॉर्मल स्टेट जाने में T2 टाइम लेगा, ठीक है? हाई नॉर्मल स्टेट से हाई इम्पीडेंस स्टेट में जाने में भी कुछ टाइम लगेगा, तो ये T2 टाइम लेगा। और ये देखो, यह चिप सेलेक्ट हो गई, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा होगा, हाई इम्पीडेंस से लो इम्पीडेंस में आ रहा होगा, क्योंकि इसे तो सेलेक्ट करना है। अब अगर इसको T1 टाइम लग रहा होगा, इसको T2 टाइम लग रहा होगा, अगर T1 ग्रेटर है T2 से, तो देखो ये T2, अगर नहीं, अगर T2 टाइम ग्रेटर है T1 से, तब क्या होगा? मतलब ये अभी हाई इम्पीडेंस पे नहीं पहुंच पाया, ये अभी हाई इम्पीडेंस नहीं पहुंच पाया है, मतलब ये भी कुछ टाइम लेगा ना नॉर्मल स्टेट से हाई इम्पीडेंस स्टेट जाने में, तो ये अभी T2 टाइम ज़्यादा है, ये अभी हमारा नॉर्मल स्टेट में नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये देखो हाई इम्पीडेंस से नॉर्मल स्टेट में पहुंच गया, क्योंकि T1 टाइम कम है, T2 ज़्यादा है। अब जो टाइम बीच में दोनों का कॉमन हुआ, उसमें ये भी ऑन होगी आउटपुट डेटा लाइन, और ये भी आउटपुट डेटा लाइन ऑन होगी, दोनों ही ऑन होंगी, ठीक है ना? अभी चिप सेलेक्ट तो यहाँ का है, डीएक्टिवेट है, ठीक है ना? लेकिन इसमें डाटा का फ्लो होगा, क्योंकि अभी ये क्या हुआ है, अभी ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में नहीं पहुंच पाया, तो उस टाइम के दौरान इसमें भी डाटा फ्लो होगा और इसमें भी डाटा फ्लो होगा, दोनों दोनों में ही डाटा का फ्लो बना रहेगा, क्योंकि दोनों डिसलेक्ट है। अब जब दोनों डिसलेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, अब जब ये क्या कहते हैं नॉर्मली, अब यहाँ तो ये मतलब चिप सेलेक्ट क्या है लो लेवल, तो यहाँ से कोई हाई इम्पीडेंस लगाए नहीं है, मतलब सिस्टम आप हाई इम्पीडेंस कर देता है, मतलब बीच में एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा कर देता है, ताकि आराम से डाटा फ्लो हो, तो चिप में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्योंकि डिसलेक्ट है, तो बाकी सर्किट तो डीएक्टिवेट मोड पे है, लेकिन डाटा का फ्लो हो गया, मतलब वोल्टेज का फ्लो हो गया, तो इससे क्या हो सकता है, चिप हमारी क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, या फिर डेटा लूज भी हो सकता है, क्योंकि डेटा डिवाइड भी हो रहा है। तो देखो इसको अब समझ लेते हैं थ्योरी के प्रोसेस से, प्रोसेस टू अंडरस्टैंड बस का। पहले देखो, ये तो आपने भी समझ लिया, हम इसको थ्योरी बाद में पहले समझ लेंगे, लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है ये देखना है पहले। सबसे पहले आपको ये लिखना है, देखो मेमोरी चिप में इंटरनल बफर्स को इनेबल करने के लिए विभिन्न कंट्रोल इनपुट्स होते हैं। देखो इसमें कंट्रोल इनपुट कौन है, सिर्फ एक चिप सेलेक्ट, बाकी सब तो हमारे डाटा है लाइन से ना। कंट्रोल्स लाइन कौन सी है, सिर्फ कंट्रोल सिग्नल, दोनों में सिर्फ कौन सा है, कंट्रोल सिग्नल, सिर्फ एक ही कंट्रोल सिग्नल है, वो भी कौन सा, चिप सेलेक्ट वाला है ना। लेकिन कई सारे होते हैं, विभिन्न कंट्रोल इनपुट होते हैं, जैसे चिप सेलेक्ट भी होता है, आउटपुट इनेबल और डिसेबल होता है ना। चिप सेलेक्ट कर दिया, आउटपुट इनेबल डिसेबल के लिए भी अगर एक कर देते तो देखो चिप इनेबल तथा आउट चिप इनेबल तथा आउटपुट इनेबल लाइनों का प्रयोग कर आउटपुट डेटा लाइन की स्टेट निश्चित की जाती है, परंतु सभी चिप में यह दोनों कंट्रोल लाइन उपलब्ध नहीं होती हैं। जैसे देखो इसमें उपलब्ध नहीं है, इसमें क्या है, सिंगल लाइन कंट्रोल है, सिर्फ सिंगल लाइन, मतलब सिर्फ चिप सेलेक्ट ही है और कुछ नहीं है, जबकि अगर दोनों होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, वो भी हम आगे समझेंगे क्यों ज़्यादा अच्छा रहता। उपलब्ध नहीं होती यदि संयोगवश एक ही समय में दो या दो से अधिक सर्किट के आउटपुट बफर्स इनेबल होकर डाटा बस का प्रयोग करना चाहते हो, तब बस कंटेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। दोनों इनेबल हैं, होना चाहिए एक को, लेकिन दोनों इनेबल हैं और डाटा बस का दोनों यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो क्या होता है, बस कंटेंशन की स्थिति आ जाती है। देखो पहले तो आपने ये लिख लिया, अब आप ये देखिए, प्रोसेस टू अंडरस्टैंड बस कंटेंशन। देखो चिप वन का कंट्रोल सिग्नल CS bar रीड ऑपरेशन के लिए लो हो जाता है। लेट सपोज पहले क्या हुआ, रीड ऑपरेशन करना है चिप वन को, तो इसका कंट्रोल सिग्नल क्या हो गया, लो हो गया। इन चिप वन आफ्टर सम टाइम आउटपुट डेटा लाइंस कम्स इन नॉर्मल स्टेट फ्रॉम हाई इम्पीडेंस स्टेट, लेट दैट टाइम इज T1,
मतलब जैसे ही चिप चिप सेलेक्ट हो गया, मतलब चिप हमारी क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई, तो हमारा आउटपुट जो डेटा लाइंस हैं, जो आउटपुट डेटा लाइन, वो क्या करना, वो क्या होंगी, हाई इंपीडेंस से नॉर्मल स्टेट में आएंगी, उसमें कुछ टाइम लेंगी, वो क्या करेंगी, लेट T1 वो टाइम ले रही है आउटपुट हाई इंपीडेंस से नॉर्मल स्टेट में आने के लिए। आफ्टर रीडिंग द डेटा फ्रॉम चिप 1, CS bar इज बिकम हाई, बट ड्यू टू चेंजिंग द एड्रेस और रीडिंग द डेटा फ्रॉम चिप 2, CS2 bar बिकम स्लो एंड अगेन डेटा लाइन आर एक्टिव। देखो इसका कहने का मतलब है, अब इससे डेटा तो रीड हो गया, लेकिन अब क्या है, अब उसमें दूसरा एड्रेस दे दिया माइक्रो प्रोसेसर ने, दूसरा एड्रेस दे दिया। अब जो दूसरा एड्रेस दिया तो हमारी डाटा बस तो एक्टिव रहेंगी, क्योंकि उसे तो डाटा रीड करना है, तो डाटा बस तो हमारी एक्टिव रहेंगी। अब क्या करना है, चिप सेलेक्ट लो हुआ, चिप सेलेक्ट अब ये लो होना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें यहाँ से अब ये इस चिप 2 का एड्रेस दिया गया, तो यहाँ से डाटा रीड करना है। तो फिर क्या होगा, हमारी डाटा लाइन एक्टिव मोड में ही रहेंगी, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम चिप 1 आउटपुट बिकम्स इन हाई इम्पिडेंस स्टेट। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तो डिसलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हाई पे हो गया है। देखो CS bar इज बिकम इज हाई, तो देखो हाई हो गया, तो इसको दोबारा से, इसको T1 टाइम लगा था हाई इम्पिडेंस से नॉर्मल इम्पिडेंस आने में आउटपुट डेटा लाइन को, अब नॉर्मल से फिर हाई इम्पिडेंस में जाना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, लेट T2 हमने मान लिया, लेट दैट टाइम इज T2, है ना, कहाँ जाने में, लो इम्पिडेंस नॉर्मल स्टेट से हाई इम्पिडेंस स्टेट जाने में। T1 के पश्चात तथा T2 चिप 2 के CS2 लो होने के पश्चात चिप 2 की आउटपुट डेटा लाइन एक्टिव हो जाती है। मतलब देखो इसमें भी अब T1 टाइम लेगा हाई इम्पीडेंस से नॉर्मल स्टेट आने में, तो मतलब T1 के बाद ये हाई, T1 समय के बाद ये हाई से नॉर्मल आ जाएगी, और ये T2 के बाद नॉर्मल से हाई इम्पीडेंस में चले जाएगी, है ना। देखो इफ T1 इज लेस देन T2, मतलब जो T1 है जिसमें क्या कर रहा है, हाई इम्पिडेंस से नॉर्मल स्टेट में आ रहा है, वो कम हो किससे, नॉर्मल स्टेट से हाई इम्पिडेंस में जाने के कंपैरिजन में, मतलब ये तो हमारा क्या हो गया, हाई इम्पिडेंस से नॉर्मल स्टेट में आ गया, मतलब ये तो एक्टिव हो गई, और अभी ये हमारा, क्योंकि टाइम ज़्यादा है, तो ये अभी हमारा वहाँ नहीं पहुँचा है, T1 टाइम में ये नहीं पहुंचेगा, ये तो क्योंकि इसको T2 टाइम लगेगा, और T2 बड़ा है, तो देखो ये भी एक्टिव है एक समय में, और ये भी एक, दोनों एक्टिव हैं उस समय में, T2 माइनस T1 समय बाद, T2 माइनस T1 समय के लिए क्या होगी, दोनों एक्टिवेट होंगी, क्योंकि ये ज़्यादा है उस समय, क्योंकि कुछ टाइम लेगा अपना हाई इंपिडेंस जाने में, तो दोनों एक्टिव हैं, तब दोनों चिप डाटा बस को ड्राइव कर रही होंगी, चिप 1 डिसलेक्ट था, चिप 2 सेलेक्ट हो रही होगी, यह स्थिति बस कंटेंशन कहलाती है। इसके निम्न प्रभाव हो सकते हैं, एक, पहला, दोनों चिप नष्ट हो सकती हैं, और दूसरा, डाटा नष्ट हो सकता है, चिप नष्ट हो सकती है या डाटा नष्ट हो सकता है। अब देखो अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, देखो तो इसको अवॉइड करने के लिए एक काम कर सकते हैं, क्या, कंट्रोल सिग्नल एक है हमारे पास, कौन सा, चिप सेलेक्ट, हम एक और सिग्नल दे दें, कौन सा, आउटपुट इनेबल और डिसेबल। देखो इससे क्या होगा, कंट्रोल सिग्नल एक बार हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, मतलब एक्टिव हो गया, अब ये तो एक्टिव हो गया, लेकिन हमारी, मतलब जैसे ये एक्टिव हो गया, तो ये तो रीड करने के लिए तैयार है, डाटा बस रीड करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी हमारा क्या है, आउटपुट इनेबल और डिसेबल, ठीक है ना। जब तक ये आउटपुट इनेबल और डिसेबल नहीं होगा, तब तक क्या होगा, जब ये आउटपुट इनेबल नहीं होगा, आउटपुट इनेबल 0 या मतलब आउटपुट इनेबल 1 नहीं होगा, तब तक ये क्या रीड कर पाएगा, नहीं, मतलब दो सिग्नल एक्टिव होने पड़ेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है ना, दोनों सिग्नल को एक्टिव होना पड़ेगा। अब दो सिग्नल एक्टिव होंगे तो एक डिले भी हो सकता है, जिसकी वजह से दोनों में बस कंटेंशन नहीं होगा, या फिर एक काम करेंगे हम, कंट्रोल सिग्नल एक दूसरे कंट्रोल सिग्नल में थोड़ा गैप कर दें, मतलब जैसे ये हमारा क्या होगा, ये जब हमारा डीएक्टिवेट हो रहा हो, तो उसे कुछ समय बाद ये एक्टिवेट हो, दोनों में थोड़ा डिले कर दें, दोनों में कंट्रोल सिग्नल्स में, दोनों के कंट्रोल सिग्नल में क्या कर दें, थोड़ा डिले कर दें, डिले कर देंगे तो वो बस कंटेंशन वाला टाइम निकल जाएगा, जब बस बस कंटेंशन वाला टाइम निकल जाएगा, तो हमारा बस कंटेंशन की स्थिति नहीं आएगी। ये दो इसके सोल्यूशन हैं। देखो चिप में बस कंटेंशन की समस्या हल करने के लिए चिप में सिंगल लाइन कंट्रोल के अतिरिक्त एक अन्य कंट्रोल लाइन आउटपुट इनेबल डिसेबल की व्यवस्था की जाती है। चिप इनेबल और चिप सेलेक्ट का प्रयोग चिप को स्टैंड बाई से एक्टिव
मोड में लाने के लिए किया जाता है, यद्यपि रीड ऑपरेशन चिप सेलेक्ट होने के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है। जैसे चिप सेलेक्ट हुआ तो रीड ऑपरेशन तो स्टार्ट हो गई। तथापि चिप के अंदर निर्मित आउटपुट बफर हाई इम्पीडेंस स्टेट में रहते हैं। डाटा आउटपुट पिन पर डाटा तभी प्राप्त होता है जब कंट्रोल सिग्नल आउटपुट इनेबल हो जाता है अथवा आउटपुट डिसेबल डीएक्टिवेट हो जाता है। देखो, इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कंट्रोल सिग्नल हमारा ऑन हुआ तो इसने क्या किया, कंट्रोल सिग्नल जैसे मतलब ये लो हुआ तो क्या वो एड्रेस तो आ चुका है। जब एड्रेस आ गया है तो रीडिंग प्रोसेस चालू हो गई है। जैसे ही एड्रेस हमारे पास पहुंच गया है, रीडिंग, क्योंकि देखो डाटा बस एक्टिवेट करनी है ना हमें, आउटपुट डाटा की आउटपुट में जो डाटा भेज सके, तो रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। लेकिन अभी आउटपुट डाटा बस में नहीं आएगा, वो कब आएगा, जब आउटपुट इनेबल हो जाएगा, है ना। जो आउटपुट इनेबल वाला दूसरा हमारा सिग्नल है, जब तक आउटपुट इनेबल नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा, सिस्टम डाटा बस रीड नहीं कर पाएगी। और जब सिस्टम डाटा बस रीड नहीं कर पाएगी तो वो बस कंडीशन वाली स्थिति आ ही नहीं पाएगी। डाटा बस को तो ड्राइव करने वाला वो वाली प्रॉब्लम है, दोनों एक साथ डाटा बस को ड्राइव करना चाह रहे हैं, है ना। तो देखो, इस प्रकार बस कंटेंशन निम्न विधियों से रोका जा सकता है। कैसे, किसी एक चिप का कंट्रोल सिग्नल सीएस बार डिले करने पर, देखो ना, किसी एक का सीएस बार डिले कर देंगे तो वो बस कंटेंशन वाला जो टाइम है वो निकल जाएगा, तो हमारा बस कंटेंशन नहीं होगी। ऐसा मेमोरी चिप प्रयुक्त करके जिसके आउटपुट बफर को इनेबल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल आउटपुट इनेबल हो, आउटपुट, ये आउटपुट इनेबल है इसका फुल फॉर्म। आउटपुट इनेबल भी हो, मतलब एक और कंट्रोल सिग्नल हो जो क्या हो, आउटपुट इनेबल हो। अगर दो कंट्रोल सिग्नल होंगे तब भी हमारे क्या होगी, बस कंटेंशन की स्थिति नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।